न्यूज 18 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। नीट और यूजीसी नेट को लेकर मचे बवाल के बीच सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून 2024 लागू कर दिया। इस साल फरवरी में ये कानून पारित हुआ था। सरकार ने कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। नए कानून में परीक्षा में गड़बड़ी के दोषियों को 3 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। केंद्र सरकार का इस कानून को लाने के पीछे का मकसद बड़ी सार्वजनिक परीक्षाओं को में पारदर्शिता बनाए रखने का है। साथ ही परीक्षार्थी इसके लिए आश्वस्त रहें कि कोई गड़बड़ी नहीं होने पाएगी। पेपर लीक रोकने के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया है। नीट और यूजीसी नेट को लेकर मचे बवाल के बीच सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून 2024 लागू कर दिया है। इस साल फरवरी में ही कानून पारित हुआ था। सरकार के कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार की तरफ से नए कानून में परीक्षा में गड़बड़ी के दोषियों को 3 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी है, प्रावधान है इसमें। केंद्र सरकार का इस कानून को लाने के पीछे का मकसद बड़ी सार्वजनिक परीक्षाएं में पारदर्शिता बनी रहे, साथ ही परीक्षार्थी इसके लिए आश्वस्त रहे कि कोई गड़बड़ी न होने पाए। तो अब क्योंकि कानून है, पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार की तरफ से जो है बड़ा कदम उठाया गया है और लगातार जिस तरीके से पेपर लीक के मामले सामने आ रहे थे उस पर शिकंजा कसने के लिए इस कदम को बेहद ही सराहनीय माना जा रहा है। तो परेशान थे नीट के एग्जाम देने वाले जो परीक्षार्थी हैं और जिन्होंने एग्जाम दिए थे, वो उनका कहना था कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा, दोबारा से एग्जाम होने चाहिए। पेपर लीक से जुड़ा मामला सामने आया। इस तरह के जो मामले हैं अब उनको कंट्रोल में करने के लिए जो है सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। और सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून 2024 लागू कर दिया है। इससे नकल करने और नकल कराने वाले दोनों ही लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी, कानून है इस पर। तो क्या है जो ये कानून, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। नीट और यूजीसी नेट को लेकर मचे बवाल के बीच सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून 2024 लागू कर दिया है। इस पर क्योंकि नजर बनी हुई थी लगातार, और फरवरी की बात करें अगर तो इसी साल फरवरी में ये कानून पारित भी हुआ था। शैलेंद्र चौहान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं और तनु वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं रायपुर से। शैलेंद्र, लगातार मचे बवाल के बीच चाहे वो नीट हो या यूजीसी नेट हो, इस पर सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून लागू करके ये आश्वस्त कर दिया है कि बिल्कुल भी पेपर लीक का मामला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शैलेंद्र, बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अभी तक परीक्षाओं में जिस तरह की गड़बड़ी, जिस तरह पेपर लीक हो रहे थे, जिस तरह की धांधली की शिकायतें आ रही थी, लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, करोड़ों बच्चों के भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे थे, तो निश्चित ही जिस तरह से केंद्र सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है और ये जो पेपर लीक को लेकर जो एंटी करप्शन को जो लेकर जो एक कदम उठाया है, निश्चित ही ये आने वाले समय में या जिस तरह की अगर गड़बड़ी होती है तो एक डर बैठेगा कि अगर पेपर लीक होता है तो उन पर कार्रवाई होगी और जिस तरह 1 करोड़ से ज़्यादा के जुर्माने का प्रावधान है, इसके अलावा एक और फैसला है कि इसमें 10 साल की सजा भी होगी अगर दोषी पाया जाता है, तो ये कानून निश्चित ही आगे चलकर अगर इस तरह की अब गड़बड़ी होती है तो कार्रवाई होगी, तो भविष्य में इस तरह की घटनाएं होने से बचेगी। पेपर लीक एक बड़ी समस्या है और अलग अलग राज्यों से इस तरह की लगातार मामले भी आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी लगातार लाखों छात्र इससे प्रभावित थे, शिकायत भी कर रहे थे और उन्होंने लगातार शिकायत भी की थी इसको लेकर, तो निश्चित ही के बीच सरकार के इस कदम को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुशील पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून 2024 लागू कर दिया है, सबसे पहले इस कानून को विस्तार से समझाइए।
जी देखिए अंशिका, निश्चित रूप से सरकार इस पूरे मामले को लेकर पहले से ही गंभीर रह चुकी है और फरवरी में फिलहाल इस पूरे बिल को संसद में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें 6 फरवरी को अंशिका इसको लोकसभा में पेश किया गया था और 9 फरवरी को राज्यसभा में, और 24 फरवरी को राष्ट्रपति ने इस पूरे बिल को मंजूरी दिया था। कल इस पूरे मामले में नोटिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया गया है, 21 जून यानी कि कल से इसको देश भर में लागू कर दिया गया है। यानी कि अब अंशिका अगर इसको देखें तो इसके कई मायने हैं कि अब आने वाली जितनी भी परीक्षा होंगी वो इस कानून के दायरे में आएंगी। वहीं अगर इस कानून के दायरे की बात करें तो इसमें कई महत्वपूर्ण एक्ट को शामिल किया गया है, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति परीक्षा में पेपर लीक करता है या परीक्षा पत्र से छेड़छाड़ करता है तो उससे उसे कम से कम 3 साल की और अधिकतम 10 साल की सजा होगी। 5 लाख रुपए का, 5 से 10 लाख रुपए का अंशिका जुर्माना उनके ऊपर लगाया जाएगा। वहीं जिस सेंटर के द्वारा परीक्षा को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा या जो सेंटर या जो भी कंपनी उस पेपर कराने का जिम्मा लेगी, अगर उनमें कथित गड़बड़ियां पाई जाती हैं तो उन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। क्योंकि सरकार का इस पूरे मामले पर शुरू से ये रहा है कि परीक्षा में जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको लागू किया जाए। परीक्षा में जो छात्र मेहनत करते हैं उन्हें परीक्षा देते समय ये डर ना हो कि पेपर लीक हो, और जिस तरह से अंशिका आने वाले दिनों में नीट, नेट या कई ऐसी परीक्षाएं देखी गई हैं जिनमें धांधली की बात या पेपर लीक या फिर सेंटर मैनिपुलेशन की बात सामने निकल कर आई, उसने कहीं ना कहीं सरकार की चिंता को बढ़ाया और सरकार ने इसी तमाम चीजों को देखते हुए अब इस पूरे कानून को आनन फानन में उन्होंने पारित किया। अब ऐसे में चुनौती ये भी सरकार के लिए होगी अंशिका कि जो भविष्य में परीक्षाएं होने वाली हैं और अब इस कानून को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है तो क्या लोगों के मन में कोई डर आएगा या नहीं आएगा? जिस तरह से परीक्षाओं में पेपर लीक की स्थितियां बढ़ रही हैं, लगातार अंशिका विपक्ष सरकार पर हावी है कि नीट की परीक्षा को रद्द किया जाए, तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की भी जिम्मेदारी बढ़ती है कि भविष्य में अब जितनी भी परीक्षाएं अगर वो आयोजित करवाती हैं तो वहां पर पेपर लीक की संभावना कम हो, जिससे छात्र अपने भविष्य और अपनी मेहनत के आधार पर अपने भविष्य को संवार सके। बिल्कुल, और भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो यही तो उद्देश्य है। तनु हमारे साथ जुड़ी हुई है। तनु, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे जब नीट का मामला सामने आया और उसके बाद नेट को लेकर भी ध्यान में रखा गया है सरकार की तरफ से कि कोई भी बच्चा अपने मेहनत जितनी उसने की है उससे कम उसको मिले, क्योंकि पेपर लीक हो जाते हैं तो ऐसे में कई बच्चों के जो हिस्से का रैंक है वो छिन जाता है, और इसलिए अब ये कानून लागू करने के बाद वाकई में बहुत बड़ा कदम सरकार की तरफ से। तनु, तनु तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी खराबी के कारण, हालांकि शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, नीट के कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने एग्जाम्स दिए थे और वो खुश भी नहीं थे, हमने तस्वीरें भी दिखाई थी और उन बच्चों से जब बातचीत की जा रही थी तो उनकी दिल की बात भी हमने दर्शकों तक पहुंचाई। उनका कहना था कि हमारे हिस्से का जो रैंक है वो हमसे छिन गया, पेपर लीक होने की वजह से हमें वो चीजें नहीं मिली जो हमें मिलनी चाहिए, तो एक तरह से बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बड़ा कदम। हाँ देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए नीट की एग्जाम को लेकर तो मध्य प्रदेश के जो छात्रों से बात की जा रही थी वो लगातार दुखी थे और सबसे ज़्यादा पीड़ा इसको लेकर वो सड़कों पर भी उतरे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो योग्य होकर भी पीछे रह गए और जो अयोग्य थे जो इस लीक पेपर का फ़ायदा उठाकर अच्छे नंबर पा गए, तो कहीं ना कहीं बार बार नीट की एग्ज़ाम रद्द करने की मांग भी उठती रही और लगातार ये विवाद भी उठते रहे कि आखिर ये एग्ज़ाम में लीक होता क्यों है, पेपर कैसे बाहर आता है, इतना बड़ा सिस्टम काम करता है, तो इस सारे सेटअप को, सिस्टम को भी बदलने की ज़रूरत है। निश्चित ही आज अगर ये बात हो रही है कि अब आगे से जो कानून आ रहा है वो कड़ी कार्रवाई होगी, प्रावधान होंगे और जिम्मेदारी एजेंसी की भी तय की जाएगी, पर सवाल साथ साथ ये खड़े होते क्योंकि MP एक ऐसा राज्य है
जहां पर व्यापम जैसा एक कलंक मध्य प्रदेश पर लगा हुआ है, यहां पर व्यापम घोटाला जो सबसे ज्यादा चर्चा में आया था मेडिकल की जो एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, उसके बाद यहां पर भी सरकार ने कई नए प्रयोग किए और जो पेपर जो कानून को कड़ा किया। अब अगर केंद्र सरकार नीट और यूजी और इन एग्जाम्स को लेकर भी एक कड़ा फैसला ले रही है, नया कानून लागू कर दिया गजट नोटिफिकेशन, तो ये आने वाले बच्चों के जो परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध हो सकता है। हालांकि अभी भी सवाल यही खड़ा होता है, जैसे कि 1 करोड़ के प्रावधान की बात की गई है, तो निश्चित ही क्योंकि जब कोई बड़ी एजेंसीज इस तरह की एग्जाम कराती है तो उनकी जो फीस होती है वो 100-100 करोड़ होती है, तो और भी कोई जिम्मेदारी इन सेंटर्स के जो एग्जाम कराने वाली संस्थाओं की उनकी तय करना होगी। इसे और कड़ा सिस्टम इतना प्रूफ मजबूत बनाना होगा कि भविष्य में कोई भी बच्चा ये नहीं दुखी हो कि अरे हम पीछे इसलिए रह गए क्योंकि पेपर लीक हो गया था। तो निश्चित ही बड़ा सोचने वाला विषय और सरकार के कदम अच्छे उठे हैं और ऐसा मानकर चलना चाहिए कि आने वाले समय में इस जो भी दोषी हैं वो जेल की शिक्षाओं में भी जाएंगे और इस तरह की गड़बड़ी किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ होने से बचेगी। बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी साझा करने के लिए। तनु आप हमारे साथ बने रहिए और शैलेंद्र आप भी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो फिलहाल ये बड़ा कदम सरकार का माना जा रहा है। भोपाल की बात करेंगे जहां MPESB ने निर्णय लिया है, भर्ती परीक्षा में निगरानी सिस्टम को मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। अब MP में भर्ती परीक्षाओं के लिए नियुक्त होंगे 2 एजेंसी और 1 एजेंसी ऑनलाइन परीक्षा कराएगी और दूसरी एजेंसी परीक्षा कराने वाली एजेंसी की निगरानी करेगी। भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए व्यवस्था की गई है। बहुत जरूरी है किसी भी परीक्षा को सही तरीके से कराना और ऐसे में MPESB ने निर्णय लिया है। भर्ती परीक्षा में निगरानी सिस्टम को मजबूत करने की बात की जा रही है और अब एमपी में भर्ती परीक्षाओं के लिए 2 एजेंसियां नियुक्त होंगी। शैलेंद्र चौहान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, दोनों ही एजेंसियों का काम अलग अलग होगा, बताइए कि क्या काम किस एजेंसी का होगा और ये निर्णय कितना अहम होगा? हाँ देखिए, बिल्कुल अभी अपन बात कर रहे थे केंद्र सरकार का जो जिस तरह गजट नोटिफिकेशन आया पेपर लीक कानून को लेकर, उसी तरह मध्य प्रदेश में MPESB ने एक अच्छा फैसला लिया है। यहाँ पर भी लगातार जो परीक्षाएं होती है जो उसमें ये शिकायतें आती है कि कहीं ना कहीं या तो पेपर लीक होता है या सेंटर पर गड़बड़ी होती है। यहाँ पर भी कई व्यापम जैसा मामला हो, नर्सिंग कॉलेज के जो मान्यताओं से जुड़े जो परीक्षाएँ होती उसकी गड़बड़ी हो, तो इन सब गड़बड़ी को रोकने के लिए एक सिस्टम बना रही है सरकार। जैसे केंद्र ने क्या, वैसे ही राज्य सरकार भी MPESB अपने सिस्टम को मजबूत कर रही है और पहली बार यह प्रयोग किया जा रहा है कि अब ऑनलाइन जो एग्जाम लेगी वही संस्था अब केवल मॉनिटरिंग नहीं करेगी, उसके अलावा एक दूसरी एजेंसी होगी जो उस ऑनलाइन परीक्षा कराने वाली संस्था की मॉनिटरिंग करेगी। तो जब 2 एजेंसी होगी तो संभावना यह पूरी मजबूत होगी कि गड़बड़ कम से कम होगी या गड़बड़ बिल्कुल बंद हो जाएगी, क्योंकि निगरानी के ऊपर निगरानी और उसके ऊपर गवर्नमेंट की निगरानी, तो निश्चित एक अच्छा कदम है। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर आने वाली एग्जाम में ये शुरू होता है तो जिस तरह की गड़बड़ी सेंटर्स पे होती है नकल की या वो सारी बंद हो सकेगी, तो अब इसको जल्दी से इंप्लीमेंट किया जाएगा और उसके बाद एजेंसीज का चयन होगा और अब जितनी भी अब व्यावसायिक परीक्षाएं मध्य प्रदेश में होगी वो इसी पैटर्न पर होगी जिसमें एक एजेंसीज परीक्षा लेगी लेकिन दूसरी एजेंसी उस पर निगरानी रखेगी, और यही बहुत ज्यादा जरूरी भी है। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे भोपाल की ही, जहां MP में मानसून ने दस्तक दे दी है और झमाझम बारिश के साथ मानसून की दस्तक हुई है। बालाघाट के रास्ते मंडला, डिडौरी, अनूपपुर और पांडुना तक मानसून पहुंच चुका है। आज या कल तक में भोपाल में मानसून की एंट्री हो जाएगी। आज जबलपुर, शहडोल, नर्मदापुरम संभाग और खंडवा जिले में मानसून पहुंच सकता है और जून में एक दिन की बारिश ने पूरे महीने का कोटा पूरा कर दिया। मौसम केंद्र ने भोपाल सहित प्रदेश के 80% हिस्से में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। तो वही छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश के आसार हैं, ज्यादातर जगहों पर आज भी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सरगुजा संभाग को छोड़कर सभी संभागों में मानसून पहुंच चुका है। 1-2 दिन में सरगुजा संभाग भी पहुंच जाएगा मानसून।
तो मॉनसून के दस्तक देने की खबर आ रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तनु वर्मा से भी साथ जुड़ गई है। तनु, मॉनसून को लेकर क्या जानकारी, कहाँ कहाँ पर बारिश होगी? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग को छोड़कर बाकी सभी संभागों में मानसून जो है एक्टिव हो चुका है और बीते 24 घंटे से छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी है। वहीं मौसम विभाग की हम बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार 25 जून तक छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जो है वो चलते रहेगी। इसके साथ ही मौसम विभाग ने 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और बीते 24 घंटे से ही राजधानी रायपुर समेत सरगुजा संभाग को छोड़कर सभी संभागों के कई जिलों में बारिश जो है वो हो ही रही है। इसके साथ ही लगातार बारिश के चलते अब उमस और बेचैनी से लोगों को राहत मिली है और ये बारिश का दौर 25 जून तक जो है वो लगातार जारी रहेगा। तो झमाझम बारिश का दौर छत्तीसगढ़ में अभी चल ही रहा है। मौसम में ठंडक बनी हुई है, मौसम सुहाना हो गया है। राजधानी रायपुर में आज सुबह से ही बादल छाए हुए, इसके साथ ही राजधानी रायपुर समेत आसपास के एरिया में भी जो है यही मौसम का मिजाज जो है वो देखने को मिल रहा है और 25 जून तक मौसम का मिजाज फिलहाल यूं ही बना रहेगा। 25 जून के बाद माना जा रहा है कि बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि पिछले साल की तुलना में उसके बाद देखना होगा कि मौसम और कितना सुहाना रहेगा। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। शैलेंद्र, भोपाल में कब होगी बारिश, मॉनसून को लेकर क्या जानकारी मिल रही है और अभी क्या सामान्य है मौसम, ठीक है? देखिए एमपी में मॉनसून की जोरदार आमद हो चुकी है और बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम बना था वो बालाघाट डिंडोरी मंडला के इलाकों से होता हुआ मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छा चुके हैं और जिस तरह का सिस्टम बना है 80% मध्य प्रदेश बादल छाए हुए हैं और झमाझम बारिश की संभावना है और कई इलाके रात से तरबतर हो रहे हैं। अगर भोपाल की बात की जाए तो आने वाले दो दिन में यहाँ मानसून की एंट्री होगी लेकिन बादल यहाँ भी छाए हैं। अगर कल की बात की जाए तो दो दिन पहले जो प्री मानसून एक्टिविटी थी और पिछले 24 घंटे में 5 इंच बारिश यहाँ दर्ज हो चुकी है और आने वाले 24 घंटे के बाद यहाँ भी भोपाल आने वाले 2 से 3 दिन तरबतर होगा, जमकर वर्षा बदरेंगे और पूरा चक्रवात जो सिस्टम बना है वो ये इशारा कर रहा है कि आने वाले 3 से 4 दिन मध्य प्रदेश जमकर भीगेगा। पिछले दिनों से जो लगा थोड़ा मानसून लेट हुआ, लोगों के चेहरे पर मायूसी थी, किसान भी थोड़ा उदास थे, गर्मी सता रही थी, लेकिन अब इस सब से निजात मिलेगी और बिल्कुल एक ठंडा माहौल बन चुका है, ठंडक है, हवाएं चल रही है तो आने वाला वाकई में कहां पारा 48 डिग्री, कहां पारा 47 डिग्री और अब पारा धीरे धीरे नीचे हो रहा है, तो ऐसे में लोगों के लिए राहत की बात तो है ही। बहुत शुक्रिया तनु आपका भी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका भी जानकारी साझा करने के लिए। ग्वालियर में 8वीं मंजिल से 14 साल की छात्रा गिर गई है, निजी अस्पताल में परिजन उसको लेकर पहुंचे हैं, डॉक्टरों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया है, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गोले का मंदिर थाना क्षेत्र का मामला, आखिर कैसे ये छात्रा 14 साल की महज 8वीं मंजिल से गिरी, ये बड़ा सवाल है और अभी जांच पड़ताल एक तरफ तो दूसरी तरफ छात्रा को मृत घोषित कर दिया गया है। परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे थे लेकिन डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया कि वो अब नहीं रही। 14 साल की छात्रा है, 14 साल की छात्रा की 8वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई है, निजी अस्पताल में उसे फौरन लेकर जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे बेहद ही दुखद मृत घोषित कर दिया। और अब बात करेंगे मुरैना की, जहां गोवंश की हत्या मामले में गिरफ्तारी की गई है, 3 महिला और 3 पुरुष को गिरफ्तार किया गया है, 2 फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने प्रतिबंधित मांस भी बरामद किया है, प्लास्टिक के बोरे में भरकर रखा था मांस। सूचना पर गौ सेवकों की टीम भी पहुंची, गुस्साए गौ सेवकों ने हाईवे पर जाम लगा दिया है। पुलिस ने प्रतिबंधित मांस जो है वो बरामद किया है और महिला जिस तरीके से यहाँ पर नजर आ रही है, आपको देख सकते हैं आप, जो भीड़ है पुरुषों की भी महिलाओं की भी वो यहाँ इकट्ठा हो गई है। 3 महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने दिग्विजय सिंह के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी धर्मों की शिक्षा स्कूलों में दी जानी चाहिए। दिग्विजय सिंह जी वरिष्ठ नेता है और मैं आमतौर पर उनके वक्तव्यों पर टिप्पणी करने से अपने आप को रोकता हूँ, लेकिन ये है कि हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, भारतीय हमारे हिंदुस्तान में, भारतीय हमारी पद्धति में पहले हम अपना ज्ञान प्राप्त कर लें तब बगल वाले का करेंगे। आदमी पहले ग्राम का विकास करता है, उसके बाद थोड़ा खिसक के जाता है, फिर क्षेत्र में जाता है। कहना पहले हम अपनी संस्कृति को जान लें और उसका ज्ञान मिलने के बाद हम थोड़ा अपने आप को। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर। चंबल नदी में मगरमच्छों का आतंक, मगरमच्छ ने एक महिला पर किया हमला, धार में महिला